तो स्पीडोमीटर का तार चेंज करने के लिए वायर अगर चेंज करना है, ये आपको एलन की बोल्ट खोलना पड़ेगा यहाँ का। ये 4 बोल्ट आएगा, ये इधर है और 2 बोल्ट उधर है, इसको निकालना है। निकालने के बाद ये जो केबल है, इस केबल को निकालना पड़ेगा। आपको मैं दिखाता हूँ फिलहाल, ये आप उन लोगों का ख़राब हो चुका है, ये सेंसर यहाँ पे, ये निकालेंगे। इसका प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्या करना है कहाँ पे। और ये 2 बोल्ट खोलना है, संभाल के ध्यान से, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। पहले खोल लेता हूँ इसको अच्छा से, उसके बाद में फिर आपको दिखाता हूँ कहाँ से क्या निकालना है। तो ये है इसका, ये प्लग, यहाँ से इसको आउट करना है। ये देखिए, ये नीचे वायर है, ये प्लग आउट करेंगे इसको, यहाँ से इसको निकालेंगे। बस जरा इसको इसको तो ये जो ग्रिप है आप देख पा रहे हैं, ये ग्रिप जो है यहाँ पे इसको फंसाना है, इस ग्रिप को सही से देख लो। अगर ये ग्रिप आप सही से नहीं बैठा पाएगा तो आपका जो डिस्प्ले वो सही से वर्क नहीं करेगा, स्पीडोमीटर सही से काम नहीं करेगा। जैसा 0 पहले था वैसे ही 0 दिखेगा। इसको अपन को ऐसा लेना है, ये बैठ चुका है। अगर आप सही से ग्रिप में नहीं बैठाओगे तो ये बैठेगा नहीं, ऐसा यहाँ पे गैप रह जाएगा। पड़ेगा, चल घुमाओ, देख पा रहे हो वर्क कर रहा है सही से, पहले 0-0 आता था। ये टायर घूम रहा है तो अभी फिलहाल इस पर काम कर रहे हैं। आपको इसका रिव्यू आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ये सही से वर्क करेगा कि नहीं करेगा। झुक के बैठना उधर, ये प्लग निकाल दिया मैंने, टायर घुमा, ए घुमा रे। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 0 है, देखो टायर घूम रहा है और ये 0 आ रहा है, बिल्कुल 0। पकड़ो ठीक है, टायर मत घुमा अभी, ये मैंने प्लग इन किया। अब घुमा देख लेता हूँ, घुमा देख पा रहे हो डिस्प्ले काम कर रहा है सही से। चलो स्टॉप करता हूँ वीडियो, नहीं ठीक है छोड़ दो।